संभल जिले में लगातार बढ़ रही राशन कार्ड की मांग के बाद डीएम संजीव रंजन ने वसूली का फरमान जारी किया है, जिसके तहत गेहूं की 24 रुपये और चावल की 32 रुपये किलो के हिसाब से वसूली होगी। आपको बता दें कि मोटर कार, ट्रैक्टर, 100 गज का मकान, एसी, हार्वेस्टर, 5 KV या अधिक क्षमता जनरेटर के मालिक, 1 से अधिक सशस्त्र लाइसेंसी आयकरदाता और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख एवं शहरी क्षेत्र में 3 लाख इनकम वाले और सरकारी कर्मचारी अपात्र होंगे। आपको बता दें कि कोरोना के बाद से जहां सरकार फ्री राशन दे रही है, वहीं इस माह सरकार ने गेहूं चावल के साथ रिफाइंड नमक चावल भी दिया जा रहा है। डीएम संजीव रंजन ने बताया कि राशन सामग्री में गेहूं चावल के साथ अतिरिक्त सामग्री मिलने के बाद लगातार नए राशन कार्ड की डिमांड आ रही है। देखा जा रहा है कि अपात्र राशन ले रहे मगर जिले को यूनिट समिति है और इसके अनुसार राशन आता है। डीएम के वसूली के आदेश के बाद अपात्र राशन लाभार्थियों में हड़कंप मच गया है। जनपद में यह देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जो कि राशन कार्ड की डिमांड कर रहे हैं, अब क्योंकि जब से राशन में हम लोग अनाज के अलावा और भी चीजें दे रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ गई है। और यूनिट जो है वो कि उसका लिमिटेशन है कि इतना यूनिट हो सकता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऐसी परिस्थिति में ये ऑर्डर किया गया है कि अगर आप वो पात्र नहीं है तो बेहतर ये हो कि वो उस चीज़ को आप रिजम्प कर दें, मतलब उसको छोड़ दें। अगर इन केस अगर वैसे भी ऐसे पाए जाते हैं लोग जिन्होंने गलत अपात्र होने के बावजूद राशन उठाया है, तो ऐसे केसों में वसूली के आदेश किए गए हैं। तो उस वसूली किस तरीके से वसूली इसमें की जाएगी सर? वसूली उसको जो राशन उठाया है, राशन का उसका जो मार्केट का दर है उसके हिसाब से उसका क्वांटिफाई कर